आतंकियों की टेढ़ी नजर की। हैदराबाद धमाके के बाद आतंकियों के निशाने पर अब है मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर। न्यूज एक्सप्रेस के हाथ लगे पत्र में इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं कि आतंकियों के निशाने पर मुंबई का पुलिस मुख्यालय है। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय आने जाने वालों की आईडी चेक करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूज एक्सप्रेस के पास एक पत्र लगा है और उस पत्र में साफ जिस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर वो निर्देश चौंकाने वाले हैं। और निर्देश में कहा गया है कि मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई इसके बाद से हैदराबाद ब्लास्ट के बाद अब आतंकियों की नजर मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर पर है। हेडक्वार्टर आने जाने वालों की आईडी चेक की जा रही है और बिना उन्हें चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षाएं इस वक्त बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके पहले हम आपको बता दें, हैदराबाद में हुए धमाकों के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से देश के 6 बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और उसमें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी शामिल है। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर आतंकियों के निशाने पर होने के कारण मुंबई पुलिस क्या क्या एहतियात बरत रही है, बता रहे न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता शाहिद अंसारी। पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक गेट के पास मौजूद है। ये वो गेट है जहां से अगना से आला पुलिस अधिकारी का आगमन इस गेट से होता है। और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने ये आगाह कर दिया है कि अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद जो है मुंबई पुलिस का जो ये हेडक्वार्टर है ये टारगेट पर है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ हर आने जाने वाले पर खासी नजर रखी जा रही है। आपको बताते चले कि ये वो लेटर है जो न्यूज एक्सप्रेस के हाथ लगा है, जिसमें मुंबई पुलिस ने ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कहा गया है कि जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस मुख्यालय खासकर आतंकवादियों के टारगेट पर है। उसके देखते हुए जो भी पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां यहां से आए और अंदर दाखिल हैं, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके आई कार्ड और उसके अलावा उनकी सारी मालूमात जो है मुहैया कराई जाए, उसके बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जाए। मुंबई पुलिस को इस बात का भी शक है कि कहीं आतंकवादी पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करके संसद भवन की तर्ज पर कहीं मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर मुंबई के ठीक बीचों बीच मौजूद है, जहां पे मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर समेत जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां बैठते हैं। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए खुद यहां पे बाहर पुलिस की टुकड़ी लगा दी गई है, ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसको लेकर मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर फिर एक बार एक सवालिया निशान लग जाए, क्योंकि बात खुद मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की है। तो इसलिए मुंबई पुलिस खुद मुंबई के जितने भी 92 से भी ज्यादा पुलिस थाने हैं उनको भी ये पूरी लेटर जो है जारी कर उनको भी इस बात के लिए आगाह किया है कि वो भी अगर पुलिस थाने में आए यानी पुलिस हेडक्वार्टर में आए तो ये पूरी तफसील और अपना आई कार्ड जरूर दिखाएं, और ऐसे दिखाने में अगर उनकी जांच हो रही है तो उससे वो बुरा ना माने, क्योंकि वो भी सुरक्षा का एक कदम मुंबई पुलिस ने उठाया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सारे अभियान शुरू किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद से आतंकवादियों ने जो टारगेट पर लिया है तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस हर वो मुमकिन। और शाहिद अंसारी न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शाहिद, आतंकियों की टेढ़ी नजर अब मुंबई पुलिस के मुख्यालय पर है, एम्स वाली बाकी और जगहों पर सुरक्षा किस तरह की है? जी, जिस तरह से अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद सबसे पहले मुंबई में ही हाई, हालांकि देश के कई कोने में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन मुंबई में भी इसके साथ साथ मुंबई में भी, क्योंकि हमेशा से मुंबई आतंकियों के टारगेट पर रहा है, तो 26/11 जैसे आतंकी हमलों का दर्द झेल चुका है। उसके साथ साथ जब ये लेटर जारी किया गया है, तकरीबन दो तारीख से पहले की जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग में सारी चीज़ों पर बातचीत की गई है। ये चीज़ें सामने आई है कि मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर जो है जहाँ पे ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी और खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद रहते हैं, यहाँ उनके कार्यालय हैं, ये आतंकवादियों के टारगेट पर है। तो जो सीपी ऑफिस का गेट है जो 26/11 के बाद से तकरीबन जो आम लोग थे, पहले आम लोगों की भी गाड़ियाँ जाती थी या VIPs थे उनकी गाड़ियाँ जाती थी, वो बंद करा दिया गया था। उस वक्त जब डॉक्टर सत्यपाल सिंह का आगमन हुआ है और आज जब ये चीज़ें सामने आई हैं और 2 तारीख को जब मुंबई पुलिस की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है कि हर आने जाने वाले के, यानी कि जो अब उसके बाद से सिर्फ पुलिस वालों की गाड़ियाँ वहाँ आती हैं, तो इसलिए उनके भी
कार्ड और उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जाए और ये भी आह्वान किया जाए कि इसको बुरा बिल्कुल ना माने। इसके साथ साथ मुंबई की जो जगह है, दूसरी जगह जो हमेशा से आतंकवादियों की जिन पर नजर रही है, उन सब जगहों पर पहले की तरह ही सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जैसा कि हमेशा 26/11 के बाद से उन सारी जगहों पर रहती है। तो बिल्कुल उसी तरह से हर जगह सिक्योरिटी मौजूद है। रही बात मुंबई पुलिस कमिश्नर की, कमिश्नर ऑफिस की, तो यहाँ पे जो खुद मुंबई पुलिस की सिर्फ गाड़ियाँ आती है उनसे ज्यादा सख्ती की गई है कि जो लोग आते हैं उनके आई कार्ड चेक किए जाए, साथ साथ उनकी जो है जानकारी ली जाए। अगर काले कांच गाड़ियों में लगे हैं तो वो भी नीचे करा के वो भी तमाम जानकारी के लिए शायद अंसारी मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे न्यूज एक्सप्रेस सुमा था। तो आतंकियों की टेढ़ी नजर हैदराबाद ब्लास्ट के बाद अब मुंबई